हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 20 है। बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई बाई बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ए बी। तो ये जो क्वेश्चन इक्वेशन दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी तरीके से हम इक्वेशन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन 19 में था ऐसा था, उसमें भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं हम और इसको सॉल्व करके एक नया इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई बाई बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर हम यहाँ से कर दें बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई बाई बी, और फिर यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड इसको लिखते हैं, तो इक्वल टू के इस साइड ये प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और ये भी प्लस इस साइड आएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और बी का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से बी कैंसिल होकर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन लगाओ, दैट मीन्स यहाँ पे हमें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये वन से मल्टीप्लाई वही आ गया। अब ए बी का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो माइनस का साइन लगा देते हैं, ए स्क्वायर और यहाँ पे भी एक ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब और बी, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। ए बी में अगर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी क्यूब आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ए बी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को सेम करते हैं। तो कोई सा वेरिएबल ले सकते हैं हम, अगर हमने यहाँ पे वाई का वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे क्या है, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे वाई है। अगर इस सेकेंड इक्वेशन में हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो वेरिएबल को कांस्टेंट होगा वो सेम हो जाएगा और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यानी हमें सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, और किस इक्वेशन में करना है, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ रहेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में ए स्क्वायर से हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सबका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये प्लस इनटू माइनस, जब करते हैं हम माइनस इनटू प्लस तो हमारे पास क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यानी यहाँ पे माइनस ही है और ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर एक्स और ये माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे प्लस का प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस करेंगे वन को, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी। और प्लस माइनस हमने क्या कि यहाँ पे अगर हम माइनस इनटू प्लस करेंगे हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे ए है, दोनों में यक्स है तो हम यक्स को कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब है। अगर दोनों में ए बी है तो हम ए बी को कॉमन करके यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ए क्यूब और यहाँ पे ए है, अगर इसमें से एक ए को निकाल देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर बचेगा और बी बी कैंसिल, बी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बी क्यूब में से अगर हम एक बी को निकाल देते हैं तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए थी, और यहाँ पर हमें यक्स दिख रहा है, यहाँ से हम यक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यक्स इक्वल टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी। अब ये हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी आ गई, हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी
इन इक्वेशन। तो हमने जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आया, तो ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन था, जो हमारा जो हमने मॉडिफाइड करके जो इक्वेशन फाइंड किया था, वो हमारा ये इक्वेशन था। अब इसी में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो फाइंड हो गई है, हमें वाई की वैल्यू निकालने से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में एक्स इक्वल टू ए भी रखेंगे तो वहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए बी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ए बी प्लस वाई इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे टू ए बी है, तो ये हो जाएगा टू ए बी और ये साइड प्लस इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू इसको माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू भी ए बी आ गई और वाई की वैल्यू भी ए बी आ गई, तो ये जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू ए बी और वाई की वैल्यू ए बी दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।